नमस्कार, जय हिंद। तो आज भी यार मेरे पास काफी सारे अपडेट्स हैं पूरे YouTube कम्युनिटी से, ऑल सोशल मीडिया हैंडल से, तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारी फर्स्ट अपडेट के बारे में। सभी बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो क्या भुवन बाम ने अपने शादी की डेट को रिवील कर दिया है, यानी कि मतलब वो शादी कब कर रहे हैं। भुवन बाम का एंटरटेनमेंट लाइव के चैनल पे एक इंटरव्यू वीडियो आया, वहां पर इसी चीज के बारे में उनका जो एंकर यहां पर पूछते हैं सवाल, भुवन बाम का इसको लेकर आंसर क्या था, आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। जब लिटरली मुझे पता है कि अगले दो हफ्ते मेरे पास नहीं है कुछ करने के लिए, तो मैं फिर वो करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जो कि है सोना और गेम्स खेलना। लेकिन इसमें तो शादी हो जाती है आपकी। हाँ, अभी कहाँ हुई है? जो हो ही जाए, हो जाएगी शादी, करना था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है कि प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं? आप तो अभी बताया आपने 15 साल से एक ही जगह सेटल है। हाँ, तो दिक्कतें वहां भी हैं सब जगह। अच्छा है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात करो कैरी मिनाटी के बारे में। तो क्या कैरी मिनाटी का बहुत ही जल्दी हमें को म्यूजिक वीडियो देखने को मिलेगा। सो कैरी मिनाटी आज अपने इंस्टाग्राम पर सवेरे लाइव आए थे, वहां पर इस चीज के बारे में बात करते हैं। वो बताया कि उनका बहुत ही जल्दी एक म्यूजिक वीडियो आ सकता है, और उस म्यूजिक वीडियो की छोटी सी क्लिप अभी जो कल उन्होंने तरुण गिल के ऊपर एक रोज वीडियो निकाला था ना, उसके आउटरो में यूज किया था। तो सबसे पहले तो उस म्यूजिक वीडियो की क्लिप किसने किसने नोटिस करी आउटरो में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड उनका जो म्यूजिक वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, उस लाइव की छोटी सी क्लिप यहाँ पर आप देख सकते हो। एनीवे, यस, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो जाके वो आउटरो का जो टीजर है गाने का वो देख लो, और मेरे को बताओ कैसा है। मैं एक्चुअली काफी कंफ्यूज हूँ उसके चक्कर में, सही बताऊँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, और इतना मुझे खुद से ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उस गाने के बारे में, बिकॉज हमने जब बनाया था बहुत ही ऐसे वाइब में ही बनाया था और ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, और उसके बाद जब हमने कंप्लीट करके सुनाया, मेरे और मैंने भाई नहीं बनाया, तो जब हमने कंप्लीट करके सुनाया तो सीन ये था कि मतलब तुम्हारे लिए हो और बेस्ट चीज़ हो ऑब्वियसली, तो मैं कुछ भी ऐसे नहीं डालना चाहता हूँ, बट अगर तुम्हें वर्थ इट लगती है तो मेरे को बताओ, मैं बिल्कुल डालूंगा, बिल्कुल अच्छे से हम वीडियो बनाएंगे और सारे काम करेंगे। देन कैरी मिनाटी ना कल भी अपने इंस्टा पर लाइव आते हैं, वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं उनके कोई सब्सक्राइबर्स वहाँ पर ऐड हो जाते हैं। देन वो बोलते हैं कि सौरभ जोशी के ऊपर एक रोज वीडियो निकालो, उसको लेकर कैरी मिनाटी का क्या था रिएक्शन आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। एक बार ना वो सौरभ जोशी को जरूर रोस्ट कर यार, उसने क्या कर दिया भाई, देख देख के बोर हो गया मैं ऐसे। तो गाइस देखिए ऐसे उसका ब्लॉगिंग का छोटा सा क्लिप भाई, तो देख सकते हैं सुबह हो गया है, अब दोपहर होने को चला है, अब मैं मैगी बना के खाऊंगा और मम्मी को मार्केट लेके जाऊंगा, एवरो बनवाऊंगा भाई साहब, गजब। देख के तो मेरी समझ जाती है भाई, सामने ना फोड़ दूंगा उसको। कोई कोई आइडिया से बनाए ना कि भाई बाइक चला रहा हूँ ये वो अलग बात है, सिंपल से आएगा सुबह में। तो गाइस थोड़ा सा लेट हो गया आज ब्लॉग बनाने में, तो मैं न्यू ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ, दोबारा हो गया है, चलो मैगी बना के खाता हूँ। पीयूष तू ये क्या कर रहा है, ऊपर कूदेगा क्या, नीचे आएगा क्या भाई साहब, आज थार को थोड़ा धोऊंगा। ओली सरुदा आ गए हैं भाई, उसका सबसे बड़ा जोक यही लगता है, ओली सरुदा आ गए हैं, मजा लग जाता है उनको देख के उसका। भाई देखो हम तो इसमें मानते, तुम्हारी बात सही सारी सही है भाई, देखो भाई जगह काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है ये बताओ। नहीं वो दिक्कत ये तो बस फन के लिए भाई, बस मैंने ऐसे ही बोला कि थोड़ा फन हो जाए। अरे चैट में लोग भड़क रहे हैं, हम तो उनके लिए कह रहे हैं, हमें तो क्या दिक्कत है, हम तो लेते रहते हैं, हम तो वैसे ही मजे लेते रहते हैं। एडल्सो कैरी मिनाटी का जो तरुण गिल के ऊपर जो कल रोस्ट वीडियो आया था, उसको यहाँ पर आप देख सकते हो, उस वीडियो पे अभी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन व्यूज यहाँ पर ऑलमोस्ट 23 आवर्स के अंदर में होने वाले हैं, एंड वहीं पर ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन लाइक्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। एडल्सो इस रोस्ट वीडियो के ऊपर तरुण गिल ने भी रिएक्ट किया, यहाँ पर एक ट्वीट किया था, लॉट ऑफ पीपल हैविंग बीन आस्किंग मी, भाई आपको बुरा तो नहीं लगा कैरी मिनाटी के रोस्ट वीडियो से? मुझे बुरा नहीं लगा, वो एक फेस था जो कैरी ने हाईलाइट किया था, बट मजा आया देख के। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सब बात कर आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी का नया वीडियो कब आने वाला है भाई, फाइनली इसको लेकर उन्होंने अपने अपडेट दे दिया, अपने स्टोरीज वगैरह शेयर की थी। भाई आई एम स्माइलिंग, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर आशीष चंचलानी वाइंस फाइनली। हाँ भाई हाँ, याद आ गया मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल का पासवर्ड। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात करें पठान मूवी के बारे में। अब क्या पठान मूवी की ओटीटी रिलीज डेट लीक हो चुकी है? अब मैं ऐसा क्यों बोला, तो पठान मूवी के मेकर्स की तरफ से अभी कोई भी ओटीटी रिलीज यहाँ पर डेट यहाँ पर रिवील नहीं की गई, बट यहाँ पर बाय चांस यहाँ पर कोर्ट वगैरह में शायद कुछ चल रहा था, वहां पर इसकी पठान मूवी की जो रिलीज डेट लीक हो चुकी है। इसको लेकर यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, 25 अप्रैल 2023 को यहाँ पर अमेजन प्राइम पे पठान मूवी आने वाली है। पठान के बारे में बात करें, पठान मूवी ने यार एवेंजर्स की जो एंड गेम है उसको क्रॉस कर दिया। एवेंजर्स की जो एंड गेम था ना, उसका 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट
373 करोड़ का कलेक्शन था इंडिया के अंदर में हिंदी में, वहीं पर पठान मूवी ने यहाँ पर 378 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक पठान मूवी ने यहाँ पर वर्ल्ड वाइड में 729 करोड़ का यहाँ पर ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज ये संडे एंड देन आज के दिन में मूवी ऑलमोस्ट 800 करोड़ का वर्ल्ड वाइड में ग्रॉस कलेक्शन क्रॉस कर जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सब बात कर ले मोस्ट व्यूज अनाउंसमेंट वीडियो ऑन यूट्यूब के बारे में। आपको बताओ कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले उसका जो यहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह किया जाता है उसको लेकर वीडियो अपलोड किया जाता है यूट्यूब। जितने भी अनाउंसमेंट वीडियो अभी तक मूवीज के अपलोड किए गए सबसे ज्यादा व्यूज किसने गेन किए यहाँ पर आप लिस्ट देख ही सकते हो। नंबर वन पे यहाँ पर लियो है जिसका कि अनाउंसमेंट कल ही किया गया जो कि विजय थलपति की मूवी जिसपे की ऑलमोस्ट 17 मिलियन व्यूज आ गए थे 19 घंटे के अंदर में। जवान मूवी यहाँ पर आप देख सकते हो 13.3 मिलियन व्यूज है। बड़े मियां छोटे मियां यहाँ पर आप देख सकते हो 11.2 मिलियन व्यूज है। टाइगर 3 पे ऑलमोस्ट 5.3 मिलियन, पठान मूवी ऑलमोस्ट 4.2 मिलियन है। बाकी इन सारी मूवीज में से आपकी कौन सी फेवरेट मूवी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सब बात कर उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद ने खुद को ही रोस्ट कर लिया है। उर्फी जावेद ने अपने हिसाब से एक रील पोस्ट की वहां पर खुद को ही रोस्ट कर लेती है जो कि रील आप देख ही सकते हो। सो बस रही थी आज की सारी अपडेट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा देन लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।